नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तंवर और आप देख रहे हो आर डिजिटल गाइड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे आप वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट यूज़ करते हैं तो उसमें जनरली आपको जो फीचर्स हैं उसके, जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें ये नेटवर्क एरर, इस तरह का एरर शो करता है सभी जगह पर। कोई भी आप इफ़ेक्ट जो हैं इसके, फिल्टर्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, स्टिकर्स हैं, इनमें इस तरह की नेटवर्क एरर की प्रॉब्लम आती है। और तो इसका हम सॉल्यूशन आज देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कैपकट जो है वो, इसका जो सर्वर है बेसिकली वो US वगैरह में कहीं बाहर कन्फिगर्ड है, और जिसकी वजह से जो इसके फीचर्स होते हैं आप इंस्टॉल करते हो वो लाइट वेट होता है, इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन उसके फीचर्स को आपको नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। बिना नेटवर्क कनेक्ट किए अगर आप इसको डाउनलोड सारे फीचर्स करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर पे बहुत हैवी हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया है, सॉफ्टवेयर हल्का रखा है, लाइट वेट रखा है। आप उसको इंस्टॉल कीजिए और इन फीचर्स को आप नेटवर्क के थ्रू इनेबल कर लीजिए। और नेटवर्क के थ्रू आप कैसे कर पाएंगे इनेबल, क्योंकि सर्वर काफ़ी दूर है और उसमें होते हैं सिक्योर होते हैं, तो वो विदाउट VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आपको कनेक्ट करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। तो उसको हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए एक बार मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ अभी। और इसके लिए मैं क्या करना होगा, आप जैसे माय कंप्यूटर में आप सेटिंग्स में जाइए, इसमें आपको VPN, इंटरनेट में VPN नज़र आएगा, VPN पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे एक VPN कनेक्शन ऐड करना होगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं VPN, विंडोज़ बिल्ट इन सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे कनेक्शन नेम में। और इसके लिए मैं क्या करना होगा, एक बार आप ब्राउज़र ओपन कीजिए। ब्राउज़र ओपन करेंगे ब्राउज़र में आप लिखिए, जैसे यहाँ पे आप गूगल कर लीजिए ओपन। इसमें आप लिखेंगे VPN गेट, VPN गेट, GAT, VPN गेट लिखेंगे। इसमें जो भी एक साइट वैसे जो ऊपर आएगी उसको आप ओपन कर लीजिए टैब में। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये साइट खुल गई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको नीचे जाएंगे, इसमें काफ़ी सारे सर्वर्स वगैरह की लिस्ट होगी, जैसे ये सर्वर्स वगैरह दिए हुए इन्होंने, तो इनमें से आप कोई भी एक सर्वर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये इसकी स्पीड अच्छी है, ये वाला भी ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए नेम को इसके, और इसमें सर्वर एड्रेस में इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। और यहाँ पे आप लिख दीजिए कनेक्शन का नाम, लिख दीजिए कुछ भी, VPN लिख देते हैं हम, VPN 1 कर देते हैं। और उसके बाद VPN टाइप में SSTP कर देंगे इसको, और यूज़र नेम में आपको यूज़र नेम पासवर्ड, ये VPN और VPN ही रहेगा दोनों में, तो आप यहाँ पे इसको एज इट इज़ इसको रहने दें। इसमें लिख दीजिए यहाँ पे VPN और यहाँ पर भी VPN। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपके यहाँ पे VPN कनेक्ट हो गया है, वो VPN कन्फिगर्ड हो गया, अब इसको आप कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट हो गया है, तो अब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे ही एक बार दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएंगे सारे। ये देखिए फीचर्स इसके सारे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं, और कैपकट वगैरह में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें, इसके सारे फीचर्स वगैरह सभी इनेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से हैवी होते हैं। इनको अगर आप इन इफ़ेक्ट को भी डाउनलोड करेंगे और सिस्टम पर डालेंगे तो वो काफ़ी हैवी प्रोग्राम हो जाएगा, और इसको इंस्टॉल करके चलाने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसको कंपनी ने बहुत अच्छा तरीका किया है कि इसके सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हैं वो आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर लें, और नेटवर्क जो है सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि उससे कैपकट के जो सर्वर है उसमें भी दिक्कत आने की चांस ना हो, वो सिक्योरली उसको कनेक्ट करवाते हैं। तो इसीलिए आपको ये इस तरह से कनेक्शन दिया हुआ है इन्होंने,
कि वीपीएन सेटअप कीजिए और उसके थ्रू कनेक्ट कीजिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ठीक है दोस्तों, ये आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कैपकट, मैक्सिमम लोग यही यूज़ करते हैं, ईजी है और लाइट वेट है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, क्योंकि वीडियोज़ के व्यू तो आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।